एवरीवन, तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है, मतलब ग्लूकोज किस प्रकार कोशिका में जाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और ऊर्जा हमें मिलती है। तो उसी वीडियो का कुछ आगे जो बच गए थे कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें जो याद रखने योग्य है वो हम पढ़ते हैं। देखो, मैंने बताया था कि ग्लूकोज कोशिका में जाता है और कोशिका में जाकर कोशिका द्रव्य में जाएगा। पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंचता है और वो पाइरूवेट में टूटता है। फिर पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा मुक्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है भाई। फिर मैंने बताया था जब ग्लूकोज टूटेगा वो उसका टूटना निर्भर करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति पे। अगर ऑक्सीजन भरपूर होगी तो पूरा ग्लूकोज टूट जाएगा, मतलब ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल निकलते हैं और साथ में निकलती है ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो ग्लूकोज टूटता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है सीमित मात्रा में, मतलब जितनी चाहिए उतनी नहीं है, कम है उसके पास, जैसे हमारी मांसपेशियों में हैवी एक्सरसाइज के दौरान काम होता है, मतलब हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन की भरपाई नहीं हो पाती, तो हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं, जैसे बहुत तेज दौड़ने के समय क्या होता है, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम तेजी से सांस लेते हैं ताकि अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन इतने नहीं पहुँच पाती कि हमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सके और ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही टूटना शुरू कर देता है, ये मैं बता चुका हूँ। और बनता क्या है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, वो सभी जानवरों में बनता है। मतलब जो जानवर तेज दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उन सभी में ये काम होता है। जैसे अगर आप देखोगे जानवरों में, लायन को देखोगे, टाइगर को देखोगे या हिरण को देखोगे, जो बहुत तेजी से दौड़ने वाले जानवर होते हैं, तो उनमें भी लैक्टिक एसिड बनता है। यही रीजन है कि जो टाइगर और लायन वगैरह होते हैं ये ज़्यादा लंबी दूरी तक दौड़ नहीं पाते। दूसरा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इसलिए ये लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। इनको कुछ दूरी तक ही बहुत तेजी से भागना होता है, क्यों? लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो थकान भी जल्दी हो जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद वायवीय और अवायवीय श्वसन में अगर हम अंतर करें कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, एक सबसे मुख्य अंतर तो यही होगा कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन में टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होगा, पूरी तरह से टूटेगा तो ऊर्जा मुक्त होती है बहुत अधिक। अवायवीय श्वसन में वो पूर्ण रूप से नहीं टूट पाता तो ऊर्जा मुक्त होती है कम। वायवीय श्वसन में एटीपी बनती है 38 ATP और अवायवीय श्वसन में 2 ATP बनती है। वायवीय श्वसन में जो लास्ट में निकलते हैं, मतलब ग्लूकोज के टूटने के बाद जो बनते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और अवायवीय श्वसन में जो बनते हैं वो होता है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ अंतर है इसमें वायवीय तथा अवायवीय श्वसन। देखो, चाहे श्वसन वायवीय है चाहे अवायवीय है, ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य तक टूटना तो दोनों में ही होगा, मतलब चाहे ग्लूकोज मनुष्य में टूट रहा है चाहे यीस्ट में टूट रहा है। एक यीस्ट में होता है अवायवीय श्वसन और मनुष्य में होता है वायवीय श्वसन। तो यहाँ तक, मतलब ये पाइरूवेट तक, ये काम तो अवायवीय श्वसन में भी होगा और वायवीय श्वसन में भी होता है। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना और ये काम होता है कोशिका द्रव्य में, इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोला जाता है इसको? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इसको। उसके बाद पाइरूवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आगे टूटता है। ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं आगे कि पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है। देखो, ये मत समझना कि पौधे श्वसन नहीं करते,
पौधों को भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन को तोड़ना पड़ता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। हमने पढ़ लिया कि पौधे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वो ग्लूकोज जितनी पौधे को आवश्यकता है उतना तो वो प्रयोग कर लेगा, बाकी ग्लूकोज को बदल देगा स्टार्च में और संचित कर लेगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होती उस समय वो उस स्टार्च का प्रयोग करता है अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो अवशोषण मतलब वो ऊर्जा लेता रहेगा, वो दिन में भी शोषण करता है रात में भी शोषण करता है, शोषण तो रुक नहीं सकता। शोषण क्या है? ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। अब पौधा ऐसा तो है नहीं कि दिन में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो शोषण को रोक देगा, शोषण तो चलता ही रहेगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर शोषण तो चलता ही रहता है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता तो हमें हर समय होती है, 24 घंटे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम सो भी रहे हैं तब भी हमारी बॉडी के बहुत सारे काम चलते रहते हैं, जैसे दिल धड़कता रहता है या बहुत सारी और भी है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। इन क्रियाओं में ऊर्जा चाहिए, तो इनमें ऊर्जा खर्च होती है। बस ये है कि अगर हम सो रहे हैं तो उस समय ऊर्जा कम चाहिए, बैठे हैं तो उससे अधिक, अगर खड़े हैं तो उससे अधिक, चल रहे हैं तो उससे अधिक, दौड़ रहे हैं तो उससे अधिक ऊर्जा खर्च हो गई। तो पादप में भी ऊर्जा चाहिए और उसको अपनी जितनी भी गतिविधियां अंदर करनी है, बहुत सारे काम करने होते हैं उसको भी, तो उनमें ऊर्जा उसको चाहिए होती है, तो वो दिन में भी चाहिए और रात में भी चाहिए। अब हम कहते हैं अब अवशोषण करेगा अगर पादप तो वो ही करेगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब हम तो कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, देखो पौधा ऑक्सीजन भी छोड़ता है। दिन में जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है उस समय वो ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन उस समय ये मत समझो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, उस समय वो शोषण भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन अधिक छोड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन अधिक छोड़ने के कारण हम कहते हैं कि दिन में पौधा ऑक्सीजन अधिक छोड़ता है। अब रात में सूर्य का प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण तो होगी नहीं, मतलब ऑक्सीजन तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन शोषण तो चलता ही रहेगा। अब शोषण चलेगा मतलब ग्लूकोज तो टूटेगा ही, और ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो रात में शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, इसलिए रात में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पौधा शोषण किस प्रकार करता है? वो क्या उसके अंदर ऑक्सीजन लेने वाली कोई स्पेशल जगह है? फिर क्या वो ऑक्सीजन उसके भागों में अलग अलग पहुंचती है? क्या ऐसा होता? नहीं, जंतुओं से थोड़ा अलग सिस्टम होता है। उनमें क्या सिस्टम होता है? जैसे जंतुओं में तो एक स्पेशल ऑर्गन है, एक विशिष्ट संरचना है, जैसे नाक से सांस लेगा और पूरी बॉडी में फिर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ऐसे होता है। लेकिन पौधे में ऐसा नहीं है, पौधे के अलग अलग भाग अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जैसे पौधे के मुख्य तीन भाग है, एक जड़ है, तना है और पत्तियां हैं। तो जड़ किस प्रकार ऑक्सीजन लेती है? देखो पादप में क्या होता है, मान लो ये जड़े हैं, ये जड़े, तो जड़े में जड़ों के अंदर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं जिनको रूट हेयर्स बोला जाता है, रूट हेयर, ये धागे जैसी संरचनाएं, मान लो ये जड़ है और ये है धागे जैसी संरचनाएं, रूट हेयर। तो नीचे क्या है? मिट्टी के कण है, तो मिट्टी के कण ऐसे होते हैं, ये मिट्टी के कण है, मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह होती है जिनमें वायु भरी होती है, तो वह वायु इन रूट हेयर से सीधे, वायु अधिक होने के कारण रूट हेयर के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार जड़ों में, बता रहा हूं मैं, जड़ों में वह श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन करके मतलब ग्लूकोज को तोड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं मिट्टी में ही। ये तो बात होगी किसकी? जड़ों की। अब ऊपर आते हैं इसमें, तने में तना है और तने के ऊपर क्या होती है? पत्तियां हैं। तो पत्तियों में कैसे होता है? पत्तियों में हम पढ़ चुके हैं, पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनको रंध्र बोला जाता है, और रंध्र ही गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। वो रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उसी से ऑक्सीजन लेते हैं। किसके लिए? अपने श्वसन के लिए। तो कहने का मतलब है पत्तियों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा ही ली जाती है, श्वसन करेंगी पत्तियां मतलब ग्लूकोज को तोड़ेंगी, ऊर्जा निकालेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगी। दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पौधा, ये याद रखना।
ऑक्सीजन भी छोड़ता है और ऑक्सीजन यूज भी करता है अपने भोजन के लिए। अब बात आती है तने की, तो तने में तो रंध्र नहीं होते, हम कहेंगे कि जो ग्रीन स्टेम होता है मतलब जिनमें तना हरा होता है तो उनमें रंध्र होते हैं, जिन पौधों का तना हरा होता है उनमें तो रंध्र होते हैं तो वो रंध्र द्वारा ऑक्सीजन ले लेंगे, लेकिन जिनका तना ब्राउन रंग का होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, उनमें क्या होता है, उनमें भी कुछ खास तरह के छिद्र होते हैं जिनको बोला जाता है लेंटिसल्स, लेंटिसल्स जैसे ये तना है तो तने में इस तरह से थोड़ा सा उभार होगा ऐसे, जैसे ये कह लो ये तना है तो तने में इस ऐसे कोशिकाएं होती हैं जिनका मुंह ऐसे निकला होगा, दिखाई नहीं देते, बहुत छोटा होता है, इसको इस छिद्र को बोला जाता है लेंटिसल्स, लेंटिसल, और इसी से ये ऑक्सीजन लेता है फिर शोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड इसी से छोड़ देता है लेंटिसल। तो जो तना होता है तना लेंटिसल से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये हो गई भाई इसमें पादप में शोषण किस प्रकार होता है। तो अब बात आती है जंतुओं में शोषण, जंतुओं में श्वसन मतलब मनुष्य में शोषण तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरे भी तो बहुत सारे जंतु हैं, जैसे मैंने अमीबा में बताया था कि अमीबा में जो एक कोशिक जीव होते हैं, अमीबा एक कोशिक जीव है, उसमें तो विसरण विधि द्वारा बाहर जिस भी वो वातावरण में रहता है, पानी में रहता है अमीबा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब एक कोशिकीय जीव है तो कोशिका झिल्ली परमिएबल होती है, मतलब उसमें से ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो बाहर पानी में अधिक मात्रा में है और कोशिका के अंदर कम है, मतलब अमीबा की कोशिका के अंदर कम होती है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर चली जाएगी सीधा डिफ्यूजन से, और जब वह श्वसन कर लेगा तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है कम, तो विसरण विधि द्वारा मतलब डिफ्यूजन से अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी कोशिका झिल्ली से, कहीं से भी, क्योंकि उसमें कोई खास अंग नहीं होता जहां से ऑक्सीजन लेता है। तो एक कोशिक जीव तो इस प्रकार करते हैं, ऐसे ही पैराबीसियम भी होता है जिसमें जीव कहीं से भी ऑक्सीजन ले सकता है। उसके बाद अगर दूसरे जीवों को देखें, जैसे हम केचुए को देखो, केचुआ मिट्टी में रहता है, मिट्टी में जो रहने वाले जीव होते हैं वो अपनी स्किन द्वारा मतलब अपनी त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, उसकी त्वचा से ही, उनकी त्वचा पे हाथ लगा के देखना कभी मॉइस्ट मिलेगी, गीली गीली सी लगेगी आपको, क्यों, उसको मॉइस्ट रखना जरूरी होता है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज उसी तरह से चलता रहता है, ऑक्सीजन त्वचा से अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड त्वचा से ही बाहर आएगी। तो जो मिट्टी में रहने वाले हैं जैसे केचुआ है, पानी में रहने वाली जोंक है जैसे मतलब लीच जिसको बोलते हैं, उसमें भी त्वचा से होता है श्वसन। मेंढक की बात करें, मेंढक में श्वसन करने के तीन तरीके होते हैं भाई, तीन तरीके कैसे, मेंढक जब अंडे से बाहर निकलता है तो वो मछली जैसा दिखाई देता है, लार्वा होता है वो, उस समय वो श्वसन करेगा, पानी में रहता है तो श्वसन करेगा किससे, गिल्स मतलब गलफड़ों से, मछली की तरह है तो गलफड़ों से श्वसन करता है। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होते ही उसमें आ जाएंगे लंग्स, फेफड़ों से सांस लेगा फिर वो। उसके बाद अगर वो कई बार मेंढक क्या करता है, मिट्टी के अंदर भी घुस जाता है तो मिट्टी में कहाँ से सांस लेता है, मैंने बताया था मिट्टी में रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से। तो जब मेंढक मिट्टी में रहता है तो उस समय वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है भाई, ये होगा। जलीय जीव कैसे श्वसन करते हैं, जलीय जीव जैसे मछलियां होती हैं, मछलियों में श्वसन होता है गलफड़ों से, हम जैसे मछली होती है उसकी साइडों में यहाँ पे एक कट सा लगा रहता है, वो वहां पे उसके अंदर, उस कट के अंदर क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, वो बार बार मुंह खोलती है और पानी पीती है। अब वो पानी जब वो पिएगी वो गलफड़ों से बाहर निकलेगा, गलफड़ों से होता हुआ, मान लो कि उसके गलफड़े इस प्रकार के हैं, इस तरह से, ठीक है। अब वो पानी मुंह से उसने पिया, ऐसे मान लो यहाँ से पानी पिया, वो इन से टकराता हुआ गुजर जाएगा, तो इस पानी में जितनी ऑक्सीजन घुली हुई है वो गिल्स क्या करेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे और उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार मछलियां गलफड़ों द्वारा श्वसन करती हैं, मछलियां बार बार मुंह खोलती हैं, पानी पीती हैं, बार बार मुंह खोलेंगी पानी पिएंगी, क्यों, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन
21% है, जबकि पानी में बहुत ही कम होती है। तो जो धरती पर रहने वाले जीव होते हैं उनकी श्वसन दर मतलब सांस लेने की जो दर है वो कम है, मतलब वो धीरे धीरे सांस लेते हैं। लेकिन एक मछली को देखोगे तो वो बार बार जल्दी जल्दी पानी पिएगी, क्यों? ताकि अपने अंदर के ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा कर सके। जितना पानी पिएगी उतनी अधिक ऑक्सीजन उसको प्राप्त होगी, तो उनकी सांस लेने की दर ब्रीदिंग रेट अधिक होता है किसमें? मछलियों में। पानी पिएगी बार बार ये ताकि अधिक ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। ठीक है भाई। कीट जो होते हैं, कीट जैसे मक्खी है, मच्छर है, ग्रास होपर है, टिड्डे जिसको बोलते हैं, उनमें कैसे होगा श्वसन, किस प्रकार होता है? उनमें श्वसन के लिए भाई होती है एक श्वास नली, मतलब एक खास तरह के नली होती है। जैसे उनकी बॉडी होगी ना, जैसे ग्रास होपर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसकी बॉडी में कहीं कहीं पे छेद दिखाई देंगे। उस छेद की जो ओपनिंग है ऊपर वाला जहाँ से वो खुला होता है उसको स्पाइरेकल बोलते हैं, स्पाइरेकल। और उस नली को जैसे वो छेद है, उस छेद के अंदर मान लो मैं ये कहूँ कि ये जो नली है ये उसकी बॉडी, ये बॉडी है और यहाँ पे ये एक ओपनिंग है, बाहर खुली हुई है, तो ये ओपनिंग अंदर गई। आगे ये कहाँ जुड़ी हुई है? ऐसे अंदर नलियों का जाल बना होता है बहुत सारी, इधर भी एक ओपनिंग है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये पूरी बॉडी में फैली हुई है नलियाँ। इन नलियों को बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब श्वास नली। ठीक है, ये जो ओपनिंग है बाहर वाली इसको स्पाइरेकल बोलेंगे, स्पाइरेकल, और अंदर वाली जो नली है इसको बोलेंगे ट्रैकिया। ये काम किस में होता है? ये होता है इंसेक्ट्स में, मतलब कीटों में, जैसे मच्छर, मक्खी, ग्रास ऊपर, ठीक है ना, ग्रास ऊपर मतलब टिड्डा, इन सब में इस प्रकार से श्वसन होगा। किससे? श्वास नली द्वारा, ट्रैकिया द्वारा। जलीय जीवों में श्वसन दर धीमी हो, श्वसन दर, श्वसन दर का मतलब है श्वसन दर मैंने बताया था भाई अधिक होती है, सॉरी, वो पानी को बार बार पीती है, ज्यादा पानी पिएंगी ताकि ऑक्सीजन की भरपाई को पूरा कर सके। उसके बाद भाई मनुष्य में श्वसन किस में होता है? कोशिकाओं में होता है। ये हम पढ़ चुके हैं भाई कि मनुष्य में श्वसन, श्वसन मतलब ग्लूकोज का टूटना, किसमें होता है? ये कोशिकाओं में। लेकिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कार्य कौन करता है? हमारा श्वसन तंत्र कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारा श्वसन तंत्र में क्या क्या आएगा। देखो श्वसन तंत्र है, एक तंत्र है, तो इसमें बहुत सारे अंग होंगे, क्योंकि तंत्र अंग, तंत्र अंगों से मिलकर बनता है। तो इसमें नासिका, फिर अंदर श्वास नली, नासिका, नासिका गुहा, फिर आगे श्वास नली, फिर श्वास नली से आगे मैंने बताया था श्वसनी, श्वसनी से आगे श्वसनिका, फिर आगे बनी थी कूपिकाएं। जो कूपिकाएं बनती हैं, देखो इस तरह से अगर हम चले, मान लो ये हमारी श्वास नली है, श्वास नली में ऐसे छल्ले होते हैं साइड में, देखो इधर हाथ लगा के देखोगे ना महसूस होंगे आप लोगों को कुछ रिंग्स छल्ले से महसूस होंगे, ये कार्टिलेज से बने हुए छल्ले होते हैं। कार्टिलेज का मतलब है हड्डी नहीं है, हड्डी से थोड़ा सा नरम पदार्थ है ये, उसको बोलते हैं उपास्थि, हड्डी को बोलते हैं अस्थि, ये उपास्थि से बना हुआ छल्ला है, सी शेप का होता है, मतलब ऐसे होता, पूरा गोल नहीं होता, पीछे तक पीछे नहीं होता, सिर्फ आगे आगे ऐसे है। ये किस लिए है? ताकि जब हम वायु को बाहर छोड़ें तो नली में वायु नहीं रहेगी, तो ये नली तो कलेक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, उसको उससे बचाने के लिए ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेज की, ये नली में होती है ताकि वो पिचक ना जाए, मतलब सिकुड़ ना जाए, उससे उसको रोकने के लिए ये होते हैं कार्टिलेज, मतलब उपास्थि से बनी हुई छल्ले होते हैं सी शेप के। उसके बाद मैंने बताया था ये दो में डिवाइड हो जाती है ऐसे, ये होती है श्वास नली, मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, ये श्वास नली होती है, ये दो होती है श्वसनी, श्वसनी। उसके बाद बताया था ये आगे डिवाइड हो जाते हैं, फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं, ये भी ऐसे इस प्रकार फिर आगे डिवाइड हो जाएंगे, ये ब्रांच चलती रहती है, इन ब्रांचेस को क्या बोला जाता है? श्वसनिका। क्या बोलेंगे इनको? श्वसनिका। और आगे फिर ये किस में खत्म होंगी? इस प्रकार से इनमें गुब्बारे जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, आखिर में इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को क्या बोला जाता है? कूपिका। क्या कहेंगे? कूपिका। मनुष्य में लगभग 300 मिलियन कूपिकाएं होती है, 300 मिलियन
कूपिकाएं। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, गैसियस एक्सचेंज जहां भी होगी जंतुओं में जब श्वसन होता है तो कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, मतलब गैसों का आदान प्रदान होगा, और वो जगह बहुत विशिष्ट होती है, उस जगह की कुछ खासियत होती है, मतलब कुछ विशेष संरचना होती है उस जगह की। जैसे मैंने बताया कि कीटों में ट्रैकिया होती है, जलीय जीवों में गलफड़े होते हैं, ठीक है, और जो मिट्टी में रहते हैं उनकी जो स्किन है उससे श्वसन होगा, तो जहां से भी गैसियस एक्सचेंज होगा उस स्तर में कुछ गुण होंगे। गुण क्या क्या होंगे, देखो ये कूपिकाएं हैं, इन कूपिकाओं में गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है, जैसे मैं इस कूपिका को उठा लूं, ये कूपिका है, इस कूपिका का चित्र बना रहा हूं, मान लो भाई ये है कूपिका एक, ठीक है, ये कूपिका के ऊपर बहुत सारी रक्त वाहिनियों का जाल है, इस प्रकार ये जाल बिछा हुआ है, इधर उधर फैला हुआ है, इसको ढके हुए है पूरा सा, कहां से आया ये, इधर से निकल के आया ऐसे, और इसके ऊपर फैल गया, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बन गई, एक बड़ी आई, बहुत सारी संरचनाएं बन गई पतली पतली सी, इसके ऊपर फैल गई, फिर आगे दोबारा से जुड़ी और आगे निकल गई। ये जो संरचनाएं बनती हैं इनको बोलते हैं केशिकाएं, केशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं नहीं है, केशिकाएं हैं, जो हृदय से रक्त लेके आती है किसके पास, फेफड़ों के पास, उसको बोलते हैं, देखो एक होती है भाई धमनी, एक होती है सिराएं। धमनियां जो होती हैं हृदय से रक्त को लेके जाती हैं, तो ये जो सिरा है ये हृदय से आई है रक्त को लेकर किसके पास, फेफड़े के पास, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। तो ये क्या करेगी, अब ये रक्त को क्यों लेके आए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इस रक्त में इस कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगी किसको, इस कूपिका को देगी। अब कूपिका, कूपिका को, कूपिका तो एक गुब्बारे की तरह है, उसमें बीच में परत है, और जैसे देखो ये रक्त वाहिनी है, ये रक्त वाहिनी है, और ये है कूपिका, ये इसके ऊपर ये है, तो देखो इसकी दीवार है, ये रक्त वाहिनी की भी दीवार है और इस कूपिका की भी दीवारें हैं, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी और इसमें से ऑक्सीजन निकल के इसमें जाएगी O2 और ये जाएगी CO2, तो इन दो परतों को क्रॉस करना है, किसको, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इन दो परतों को क्रॉस करने के लिए इस जगह का, इन दोनों परतों का बहुत पतला होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो प्रत्येक वो जगह जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होगा, चाहे वो स्किन से हो चाहे वो गलफड़े हो, सभी में ही वो जगह बहुत ही पतली होनी चाहिए ताकि गैसें आसानी से उसमें से क्रॉस कर जाए। ठीक है भाई, तो कूपिका की परत और रक्त वाहिनी जो केशिका की परत है, उन दोनों मिला के भी बहुत पतली होती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आसानी से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, देखो एक होता सांस लेना, ब्रीदिंग, और एक श्वसन, दोनों में अंतर है। ब्रीदिंग होता है सिर्फ ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर फेफड़ों में भरना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर छोड़ना, वो ब्रीदिंग है, वो श्वसन नहीं है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में वो जो वायु गई है फेफड़ों तक वो जाएगी कोशिकाओं में, कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा निकलती है, वो होता है श्वसन। ठीक है भाई, तो ऑक्सीजन इधर से देखो पूरी की पूरी वायु आई है, पूरी वायु जो हमने सांस ली, ऐसा तो है नहीं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, उसमें तो पूरी वायु है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, हमें पता है जो वायु आती है वायुमंडल से उसमें ऑक्सीजन होती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है, अब ये वायु आई किसमें, इस कूपिका में, इस कूपिका में आई, इसमें ऑक्सीजन कितनी है 21% है। अब जो रक्त आया इसके ऊपर, जो केशिका है उनमें जो रक्त आया उसमें ऑक्सीजन होती है भाई कितनी, सिर्फ 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 4.4%
4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 16.4% ऑक्सीजन होती है किसमें, रक्त में, और जो वायु यहाँ पे आए इसमें 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है और रक्त में ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इस रक्त से इसमें चली जाएगी। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन 21% है, यहाँ 16.4%, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है, ऑक्सीजन इसमें चली जाएगी। इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है भाई। दूसरा, जहां भी जब भी कहीं पे अवशोषण होना होता है तो अवशोषण वाला क्षेत्र वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है तो उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, किसी कारण उसमें मूलियों जैसे उभार होते हैं, प्रवर्ध होते हैं, ऐसे ही ये कूपिकाएं बहुत ज्यादा होती है संख्या में, ताकि क्षेत्रफल अधिक बहुत ज्यादा हो जाए और गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाए। अगर इन कूपिकाओं को फैला दे, हम खोल दे, तो इनमें से 80 वर्ग मीटर का 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैल सकती है, ये इतनी बड़ी होती हैं इनको। ये तो सिकुड़ के अंदर फिट होती है हमारी वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा मतलब ये जो अंदर की जगह है ना, रिब, ये जो खाल के नीचे अंदर है, इसमें पसलियां हैं, पसलियां के अंदर क्या है, फेफड़े हैं, ये फेफड़े पसलियों के अंदर है, उनको सुरक्षा देने के लिए बाहर पसलियां होती हैं। और ये पसलियां ही, क्योंकि फेफड़े इन पसलियों के साथ अंदर चिपके हुए हैं, ये पसलियां बाहर ऊपर उठती हैं तो फेफड़े भी साथ में खुलते हैं, नीचे जाती हैं तो पिचक जाते हैं, इस प्रकार होते हैं। गैसों को अंदर ले जाने में, बाहर छोड़ने में पसलियों का योगदान है, और नीचे परत होती है, मैंने बताया था वक्ष गुहा को और पेट के जो अपने हमारी अंदर की जगह है उसको, उन दोनों के बीच में एक पेशियों से बनी हुई एक परत होती है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं, कल पिछली लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है भाई। अब हम छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें श्वसन में ये एक क्रियाकलाप द्वारा हम बता सकते हैं, क्रियाकलाप करके ये बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में छोड़ी जाती है, क्या करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमने ये जानना है कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो हम चूने के पानी का प्रयोग करते हैं, तो चूने का पानी ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, इस प्रकार ये ले लिया भाई, इसमें ये पानी ले लिया चूने का, और इसमें क्या करेंगे, एक नली से हम फूंकेंगे, मतलब इसमें फूंक मारेंगे, तो आप देखोगे एक खली ऐसे छोड़ दो, एक टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी ले लो, चूने का पानी लेके उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी लेके उसमें नली से फूंक मारो, तो जब हम इसमें फूंकेंगे तो चूने का पानी दूध दिया हो जाएगा तुरंत एकदम से, और ये दूध दिया तो होगा, लेकिन ये धीरे 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 होगा, क्यों, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन इतनी नहीं है कि इसको एकदम दूध दिया करते, वो धीरे धीरे से इसको दूध दिया करेगी, लेकिन जब हम इसमें फूकेंगे तो फूकते ही ये सफेद रंग का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमने फूंक मारी थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है, तो इससे साबित होता है कि जो हम वायु छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, ठीक है भाई। अब बात आती है श्वसन दर की, श्वसन दर क्या होती है, श्वसन दर का मतलब होता है कि ब्रीदिंग रेट, मतलब एक मिनट में व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है और कितनी बार छोड़ता है, लेने को और छोड़ने को एक माना जाएगा, ये मत समझना एक बार छोड़ दिया एक बार ले लिया उसको दो काउंट करना, नहीं, छोड़ना और लेना उसको एक काउंट करना है। तो एक मिनट में कोई जंतु कोई जीव जितनी बार ब्रीदिंग करता है उसको बोलते हैं श्वसन दर। मनुष्य में जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें 15 से 18 प्रति मिनट होता है, मतलब 15 से 18 बार वो सांस लेता है एक मिनट में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें श्वसन दर अधिक होते हैं, शिशु जो होते हैं उससे थोड़े बड़े होंगे तो कम हो जाएगी, थोड़े बड़े होंगे तो कम हो जाएगी, अडल्ट में इतनी होती है। जीव जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होएगा उसमें श्वसन दर अधिक होती है, जैसे जो चूहिया होती है और एक होता है चूहे जैसा सिंसुनिया जिसको बोला जाता है, स्त्रियु के श्वसन रेट बहुत अधिक होती है, लगभग 200 से ज़्यादा होती है श्वसन दर, मतलब वो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और ह्यूमिंग बर्ड जो होता है, जो एक जगह रह के पंख फड़फड़ाता रहता है, सबसे छोटा पक्षी, उसकी भी श्वसन दर बहुत अधिक होती है। हाथी की श्वसन दर देखो कितना बड़ा है, उसकी श्वसन दर बहुत कम होती है। व्हेल की श्वसन दर अगर हम देखें तो 7 प्रति मिनट होती है, सिर्फ 7 बार सांस लेती है एक मिनट में, मतलब
ज्यादा बड़ा शरीर होने से श्वसन दर घट जाती है और जो छोटे जीव होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं ज्यादा, तो उनमें श्वसन दर अधिक होती है। ठीक है भाई, उसके बाद जब यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में जाती है तो उस ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन होता है हमारे रक्त में, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन उनको उस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा कहाँ, कोशिकाओं के पास। अगर हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, नॉर्मल व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कितना होता है, नॉर्मल व्यक्ति में हीमोग्लोबिन होता है 14 से 18 ग्राम पर 100 ml, मतलब 100 ml अगर हम ब्लड निकालेंगे 100 ml तो 100 ml में 14 से 18 ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर ये कम हो जाएगा, जैसे आयरन की चीजें अगर हम कम खाएंगे जिसमें आयरन नहीं है, अगर वो नहीं खाएंगे जैसे हरी सब्जियां ना खाएं, गुड़ ना खाएं, उनमें आयरन अधिक होता है, तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो हमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, तो हमें थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी, मतलब हम थके थके से रहेंगे हर टाइम, और हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी, मतलब अनीमिया हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अब बात आती है एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक होती है CO, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब भी कोई वस्तु आदि से जलती है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर कोई वस्तु जलती है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में होता है, जैसे ही हम सांस लेंगे किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगी और बनाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक पदार्थ बना लेगी ये कह लो, और वो पदार्थ ऐसा होता है जो नहीं टूटता, मतलब वो कोशिकाओं तक पहुंच भी जाएगा लेकिन उसमें से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, समझ गए। और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, दोनों है, तो हीमोग्लोबिन जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ता है, क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए अधिक होती है, मतलब इसकी पकड़ने की क्षमता अधिक होती है, 200 टाइम्स ज्यादा होती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए ये जल्दी इसके साथ चिपक जाएगी। और जब ये चिपक जाएगी तो हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, सॉरी ये इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी भाई, ऑक्सीजन से अधिक, कितनी, 200 टाइम, तो ऑक्सीजन नहीं चिपक पाएगी, पहले ये चिपक जाएगी तो सारा का सारा हीमोग्लोबिन को यही ले जाएगी, हीमोग्लोबिन बचेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए, तो हमारा दम घुट जाएगा, दम घुटने से आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, जब कोई चीज को जलने के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऐसा कब होगा, जब मान लो हम बंद कमरे में सर्दियों में अंग जलाते हैं तो हो सकता है कि सुबह उठे ही ना, तो ऐसा काम भी हो सकता है, इसलिए सर्दियों में कमरे में कभी बंद करके अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब बन जाएगी तो ये काम हो जाएगा जैसे मैंने बताया है, और सुबह फिर पैर ऊपर हुए मिलेंगे उस, मतलब आदमी निपट जाएगा। तो ये होता कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव। ठीक है भाई, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत डेंजरस होती है, मतलब अगर ये ज़्यादा अवेलेबल होगी तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।